ओके तो कैसे हैं आप सब। मैं एक नई वीडियो लेके आया हूँ आपके सामने जो कि है मेकअप की। उसके लिए रेडी हो जाइए और ये वीडियो एंड तक देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है। मेकअप का एक डेमो क्लास लेके आया हूँ। क्यों? बिकॉज मैं एक क्लास ले रहा हूँ 26, 27 और 28 अक्टूबर को, जिसमें वो पेड क्लास है, जूम ऐप पे होगी। उसके लिए आपको पे करना होगा। और उस क्लास के लिए सबसे पहले ये क्लास देखिए, अगर आपको पसंद आए तो उस क्लास के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। बहुत लिमिटेड सीट्स हैं, ऑलरेडी काफ़ी लोगों ने ज्वाइन कर लिया है। ये क्लास देखिए और मुझे बताएं आपको ये क्लास कैसी लगी। लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। जो लोग नए आ रहे हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए हम आज मेकअप करके दिखाने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले मैं आपको दिखाने वाला हूँ आईज मेकअप कैसे किया जाता है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, देखिए मैं धीरे धीरे प्लान कर रहा हूँ कि क्लासेस लूँ, उसमें बताऊँ ये सारी चीज़ें। बट जो इंटरेस्टेड हैं उनके लिए आज मैंने एक डेमो क्लास निकाला है कि आप लोग भी देख पाओ कि हम किस तरीके का मेकअप कर रहे हैं, किस लेवल का मेकअप कर रहे हैं, कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं। वो मैं सारी चीज़ें धीरे धीरे करके आपको जब क्लासेस होंगी उसमें बताऊंगा। बट ये एक डेमो क्लास है, तो आप ये देख सकते हैं कि कैसा मेकअप हो रहा है। तो सबको पता आईज मेकअप कैसे किया जाता है, जो लोग मेकअप करते हैं एवरीबडी नो इट, बट स्टिल मुझे था कि एटलीस्ट आपको दिखाया जाए। तो देखते रहिएगा, आईज मेकअप से स्टार्ट करेंगे, देन बाद में हम लोग बेस बनाएंगे। काफ़ी क्वेश्चंस होंगे आपके दिमाग में, अभी से ही मेरे भी आ गया कि मैं ऐसा कुछ बोलूं कि आप लोग सोच रहे होंगे कि पहले बेस क्यों नहीं बनाया, पहले आप आईज मेकअप क्यों कर रहे हो, है ना। तो ये सारे क्वेश्चंस भी क्लियर किए जाएंगे। मैंने एक साइड का आईज मेकअप कर दिया, अभी सेकंड साइड का आईज मेकअप आपको करके दिखाने वाला हूँ। तो ध्यान से देखिएगा, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, तो जस्ट वॉच इट। मतलब ये सिर्फ आपको देखना ही है, मैं इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं दे पाऊँगा। जस्ट लुक एंड लर्न क्लास है, सो जस्ट वॉच इट, कैसे हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है, हम लोग कैसे कर रहे हैं, क्या है, वो सारी चीज़ों का ध्यान दीजिएगा। आप ये सारी चीज़ें नहीं पूछोगे कि ये क्या लगाया, कैसे लगाया, क्यों, उसके पीछे रीज़न है, वो सिर्फ क्लास में ही बताया जाएगा, जो कि एक पेड क्लास है। अभी 26, 27 और 28 अक्टूबर को स्टार्ट हो रही है। 3 दिन की क्लास है, जिसमें 3 मेकअप हैं और 3 हेयर स्टाइल्स भी हैं। हेयर स्टाइल्स मतलब जो जुड़े होते हैं या डू होते हैं, वो भी सिखाएंगे हम, तो वो भी आप हमसे ही सीख सकते हैं यहाँ पे ऑनलाइन क्लास। इसमें मैं बाद में भी वीडियो प्रोवाइड करवाऊँगा। ये क्लास जूम पे होगी, जूम एप्लीकेशन पे लाइव। आप लोग क्वेश्चन कर सकते हो, पूछ सकते हो, देख सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम हो आप लोग क्वेश्चंस पूछ सकते हो मेरे से। तो इसमें जो काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट तरीके के ब्रशेज हम लोग यूज़ कर रहे हैं, हर एक ब्रश का नाम बताऊंगा मैं, ब्रश क्यों यूज़ किया जाता है वो भी बताऊंगा मैं, नंबर तक बताऊंगा, ब्रांड तक बताऊंगा, सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिटेल में रहेंगी, बहुत ज़्यादा डीपली बताया जाएगा इसके अंदर। तो अब जस्ट ध्यान से देखिएगा व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ। तो ये एक तरह का डेमो क्लास है जो आप लोगों को मिलना चाहिए था मेरी तरफ से, कि एटलीस्ट आपको क्लियर हो जाए कि हम लोग क्या कर रहे हैं। गॉट इट? तो ध्यान से देखते रहिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है ये मेकअप में। ये मेकअप क्लास बहुत ज़बरदस्त है, इसके हेयर स्टाइल में भी बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि इनके हेयर जो हैं वो शॉर्ट हैं ऑलरेडी। तो स्टेप बाय स्टेप मैं सारे आईज के ऊपर जो एक टेक्निक है ब्रश चलाने की, वो कर रहा हूं अपना काम। देखिए हर एक ब्रश अपने एक अलग तरीके से चलता है, आप ये नहीं है कि किसी भी ब्रश को किसी भी तरीके से चला लोगे, ऐसा नहीं होगा। हर एक ब्रश का नाम है, हर एक ब्रश का अपना काम है, हर एक ब्रश का तरीका है चलाने का। सो ऐसा नहीं होगा कि आप किसी भी ब्रश को किसी भी तरीके से चला लोगे, सो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, जर्नली ऐसा नहीं करते। तो सबसे जो बड़े ब्रश होते हैं उनका अलग काम है, सबसे छोटे ब्रश होते हैं उनका अलग काम है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं सीखने वाली, ट्रस्ट मी, अगर आप मेकअप लाइन में जाते हो देयर इज अ ह्यूज पोटेंशियल, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है इस लाइन में। आप बहुत ज़्यादा सीखते हो, आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकते हो। ये मैंने खुद फील किया है आफ्टर दैट, कि जब मैं सिखाना शुरू करूं, मैं ऑलरेडी क्लासेस ले रहा हूं यहां पे भी और मेकअप भी कर रहा हूं, बहुत सारे मेकअप किए मैंने यहां पे,
तो मैं प्लान कर रहा हूँ कि आप लोगों के लिए ऑनलाइन क्लासेस शुरू करूँ, सो यू गाइस कैन वॉच इट कि हम क्या कर रहे हैं, राइट? तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। जस्ट सी, मैंने दोनों साइड का इवनली मेकअप कर दिया है, आईज मेकअप जो है। अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं फेस बेस बनाना। कुछ हाफ मैंने ऊपर आईज पे काम किया है, बाकी का काम मैं फेस पे करूँगा, फिर आईज पे करूँगा, इन बिटवीन चलता रहेगा दोनों का। तो ये आपको ध्यान देने वाली चीज़ें हैं, जो आप ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा। ये वीडियो बहुत ज़बरदस्त है, जिन लोगों को मेकअप आता है वो बहुत ईजिली समझ जाएंगे कि हम क्या कर रहे हैं, और जिनको और डिटेल जानना है और जर्नल पूछना है और सारी चीज़ों का पता करना है, हम कौन से ब्रांडेड प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, कौन से आउट ऑफ इंडिया के प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, इम्पोर्टेड प्रोडक्ट कौन से यूज़ कर रहे हैं, तो उसके बारे में मैं अपनी क्लासेस में बताने वाला हूँ, जो कि पेड क्लासेस हैं, वो जल्दी आने वाली हैं, 26, 27 और 28 को, आज से बिल्कुल 3 दिन बाद। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, कुछ नॉलेज मिल रहा है, तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और जो लोग मेरे चैनल पे नए आ रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट करता हूँ मैं। जब भी काम करने में, हर एक काम में आप टाइम लगाइए, ये नहीं कि जल्दबाजी करनी है किसी भी काम में, हर एक काम का अपना टाइम है। अगर मैंने कुछ फेस पे लगाया है तो उसको एक टाइम के साथ ही अच्छे से स्किन के अंदर ऑब्जर्व होने दो, फिर उसके बाद सेकंड काम करो अपना। ऐसा नहीं है कि एक चीज़ लगाई ऊपर के ऊपर ही आप काम करते जाओगे, तो वो पॉसिबिलिटीज नहीं है। ऐसे में हम वेट करेंगे उसके लिए। तो हमारे क्लाइंट बिजी हैं साथ साथ में फ़ोन पे, बट स्टिल आपको ऐसा टाइम देना चाहिए, क्लाइंट को अपना टाइम निकालना चाहिए, हमको अपने टाइम से काम करना चाहिए। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। जब भी क्लाइंट का कॉल आ रहा हो उनको बोलिए आप बात कीजिए या जो भी है, क्योंकि आप इन बिटवीन ड्रायर चला रहे हो या काम कर रहे हो या मेकअप कर रहे हो, तो वो ऑब्वियसली उसके लिए बहुत हार्ड होता है। तो यहाँ पे हम सेकंड एक क्रीम एप्लीकेशन कर रहे हैं। मैं वही बार बार बोल रहा हूँ, जिन लोगों को मेकअप की नॉलेज है, जो प्रोफेशनल हैं, उनको ये प्रोडक्ट्स के बारे में पहले से पता होगा, या बहुत अच्छे से मेकअप करते आ रहे हैं जो लोग। बट जो लोग नॉर्मली करते हैं, घर पे कर लिया, सलोन में कर लिया, इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है प्रोडक्ट्स के बारे में, स्किन के बारे में, और कैसे कौन सा क्रीम लगाना है, क्यों लगाना है, कौन सी स्किन पे लगाना है, तो वो सारी चीज़ें मैं पेड क्लास में देने वाला हूँ। अब ये मैं आपको बताऊँगा नहीं कि कौन सी क्रीम लगाई है, बट जो लोग ऑलरेडी मेकअप करते हैं उनको नॉलेज है इस चीज़ की कि हमने कौन सी प्रोफेशनल क्रीम लगाई है इनके फेस पे पहले। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं छोटी छोटी जो सीखने वाली हैं, जिससे आपको स्किन प्रिपरेशन बोलते हैं, स्किन प्रिपरेशन करना बहुत ज़रूरी है। मैंने स्किन जो है वो प्रेप की है पहले, प्रेप करने के बाद हम आगे का काम करेंगे। देखते जाइएगा ध्यान से, बहुत मजा आने वाला है। मैंने जैसे बताया कि हम लोग प्रोडक्ट लगाएंगे, उसका काम करके दिखाएंगे उसको कैसे किया जाता है, देन उसके बाद आप देखोगे कि ये कैसा हुआ है, और हमें अपने रिव्यूज दोगे हमारे कमेंट सेक्शन के अंदर वीडियो को लाइक करके, कि आपको ये कैसा लगा। ये क्लास बहुत मज़ेदार होने वाली है, ट्रस्ट मी, क्योंकि मैं खुद ऐसा बिलीव करता हूँ, अगर आप कुछ नया सिखा रहे हो अपने स्टूडेंट्स को तो उनको बहुत मज़ा आता है सीखने में, राइट? और मेरे लिए ऐसा होता है कि मैं कुछ भी नया, एक जो मैंने ऐसा फील किया हुआ है कि एक प्यासा है, उसको बहुत ज़्यादा प्यास लगी है, और अगर पानी मिल जाए, राइट, तो मेरे लिए नया सीखना ऐसा ही है सेम,
कि अगर मैं ऑब्वियसली मैं बहुत प्यासा हूँ काम के लिए, बट आई ऑलवेज लव टू लर्न न्यू थिंग्स, नई चीज़ें सीखने के लिए मैं हमेशा रेडी रहता हूँ, उतावला रहता हूँ, एक्साइटेड रहता हूँ, और ये सारी चीज़ें मैं प्लान करता हूँ कि आप लोगों को भी बताई जाएँ, आप लोग भी मेरे साथ अपग्रेड होते रहें। अपग्रेड होना लाइफ में बहुत ज़रूरी है, अगर आपको एक बेस्ट लेवल पे पहुंचना है, कुछ नई चीज़ें अचीव करनी है, तो आपको अपग्रेड होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम स्किन को कर रहे हैं कंटूर, कंटूर करेंगे। कंटूरिंग क्या होती है उसके बारे में भी डिटेल में बताया जाएगा हमारी जो क्लास है, और कहाँ पे कंटूरिंग होती है, क्यों होती है, कौन कौन सी जगह पे करनी ज़रूरी है और किस लिए की जाती है, ये भी बहुत ज़रूरी है। हर एक फेस पे अलग तरीके से कंटूर किया जाता है, उसका एक तरीका है, ऐसे नहीं कि कहीं भी आप कंटूर कर दोगे, ऐसा नहीं होता है। सो स्टेप बाय स्टेप हम अपने अलग अलग काम करेंगे। मैंने कंटूर प्रोडक्ट को ब्लेंड किया, देन उसके बाद अभी मैं जो भी एक बेस क्रीम लगाई है मैंने, उसको ब्लेंड करूंगा अच्छे से। बहुत ध्यान से देखिएगा, ऐसी चीजें बहुत कम सीखने को मिलेंगी, बट अगर आप सीखते हो ट्रस्ट मी बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो हैं, अगर आपको कोई टिप्स मिल जाते हैं, अभी मैंने इसमें कुछ भी नहीं बताया है आपको, आपको कुछ भी नहीं बताया इसीलिए क्योंकि आप अगर कोई भी चीज़ें फ्री में बता दोगे ना यूट्यूब पे, तो आई डोंट थिंक लोग उसको अप्रिशिएट करेंगे, मैंने बहुत कम देखा है ऐसा। बट अगर आप वही चीज़ उसका एक परफेक्ट वैल्यू दे के सीखते हो, तो वो आपको हमेशा याद रहेंगी। तो इसलिए मैं जो कोर्स ले रहा हूँ उसका भी ज़्यादा फीस नहीं है, एकदम नॉर्मल प्राइस है, कोई भी गरीब आदमी भी उसको अफोर्ड कर पाएगा, इतना कम रखा है मैंने। बट ये क्लास ज़बरदस्त होने वाला है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये ज़रूर करिएगा। जो मेकअप का क्लास है उसका वीडियो भी मिलेगा, आप बाद में भी देख सकते हो, जूम पे लाइव रहेगा, आप लाइव क्वेश्चन आंसर कर सकते हो। 12 से 5 बजे तक का क्लास होगा, मतलब 5 घंटे का क्लास है ऑलमोस्ट। बीच में शायद हम थोड़ी देर का लंच ब्रेक रखेंगे, तो वो डिपेंड करता है, बट बहुत मज़ा आने वाला है ऐसी क्लास में। यस, और बहुत ज़रूरी भी है पता है, कि आपको प्रॉपर टाइम मिले। 3 दिन का क्लास है जिसमें हेयर स्टाइलिंग भी है, मेकअप भी है, 3 मेकअप लुक दिखाने वाला हूँ मैं। तो 26 से क्लास स्टार्ट हो रहा है, 26, 27 और 28 अक्टूबर को। ये आप बाद में भी ले सकते हो ये क्लास, ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट जिनको लाइव देखने में मज़ा आता है वो लाइव जूम पे हमारे साथ ज्वाइन हो सकता है। उसके लिए आपको पे करना होगा, आपको बताया मैंने जैसे कि। तो अभी हम कर रहे हैं ब्लेंडिंग, जो कि अच्छे से होनी चाहिए। कोई भी ऐसा डिफरेंस दिखाई नहीं देना चाहिए जब भी आप ब्लेंडिंग करते हो, क्यों उसके पीछे रीज़न है, जब भी आप ब्लेंडिंग करते हो तो कोई डिफरेंस दिखाई नहीं देना चाहिए। आप देख रहे हो मेरा कॉन्टोर वाला पार्ट, वो अच्छे से अलग से दिख रहा है, जहाँ पे मैंने कॉन्टोर किया है 3-4 जगह पे, वो अलग से दिख रहा है, वो इसीलिए किया गया है पता है, कि वो अलग से दिखे। तो बहुत ज़रूरी है आप अपना पूरा टाइम दें, आप अपना पूरा टाइम दें, चाहे आप बेस बना रहे हो, चाहे आप आईज़ मेकअप कर रहे हो, चाहे आप आईब्रोज कर रहे हो, चाहे कॉन्टोरिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप अपना पूरा टाइम दो, उसमें ज़्यादा बेटर है। तो मैं साथ साथ में देखता रहता हूँ
कि क्या लुक आ रहा है फेस का। तो स्टेप बाय स्टेप कॉन्टोर किया मैंने, कॉन्टोर के बाद अभी मैं करूंगा बेकिंग। अब हम करेंगे बेकिंग। बेकिंग से क्या होगा ये भी आपको नहीं पता होगा, राइट? हाँ नहीं पता है, मुझे पता है ये चीज। तो काफी सारी चीजें छोटी 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 जो मैं आपको क्लियर करूंगा वो बताऊंगा कि क्यों किया जाता है ये सब। बहुत सारे रीजन है इसके पीछे, बहुत सारे रीजन है, बहुत सारे तरीके हैं। कुछ लोग अलग तरीके से करते हैं, मैं ये तरीके से करता हूं। देखिए इसीलिए मैं इतने दिन एक्चुअली बिजी था या कुछ नया प्रेप कर रहा था आप लोगों के लिए कि कुछ नई क्लासेस स्टार्ट की जाएं। जैसे हमने लॉकडाउन में ऑलमोस्ट 140 के करीब क्लासेस ली और सबको सिखाया उसके बारे में कि क्या क्या आप नया सीख सकते हो। 140 क्लास के अंदर ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है कि हमने हेयर के सारे टॉपिक क्लियर कर दिए। और फ्यूचर में ये भी प्लान कर रहा हूँ कि धीरे धीरे मेकअप के भी सारे टॉपिक्स जो हैं वो क्लियर कर दूँ ताकि आप लोग भी कुछ नया सीख पाऊँ। मेकअप के अंदर भी बहुत ज़रूरी है कि काफ़ी सारी चीज़ें नहीं आती हैं वो आप सीखते रहो। तो मैंने यहाँ पे जो एक्स्ट्रा पाउडर है फेस के ऊपर वो निकाल दूंगा, जो मैंने लगाया था बेकिंग के टाइम पे उसको निकाल देना है। यस, देन इसके बाद हम करेंगे ब्लशिंग। ब्लशिंग से क्या होगा पता है आपको? नहीं पता है, कोई बात नहीं, बताया जाएगा। देन हम करेंगे आईब्रोज। देखिए बहुत सारी छोटी छोटे 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 पॉइंट्स हैं जो मैं आपको क्लियर करूंगा एकदम डीप नॉलेज के साथ। आईब्रोज हो चुका है, जस्ट सी हर आईज, ग्लिटर्स लग चुके हैं, लैशेस लग चुके हैं, साथ साथ में हम लोग अभी कर देंगे हेयर डू स्टार्ट। इसके बाद मेकअप फिक्स हो चुका है, हम अप्लाई कर रहे हैं हाइलाइटर। हाइलाइटर लगाने के बाद विल डू लिपस्टिक। लिपस्टिक लगाने के बाद वी विल डू अ हेयर डू, राइट? हेयर डू से पूरा जो लुक होता है क्लाइंट का वो हमेशा चेंज हो जाता है, क्योंकि एक छोटे छोटे पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको बहुत मायने रखते हैं मेकअप के अंदर, जिससे पूरा पूरा लुक चेंज हो जाएगा। जैसे कि सबसे पहले बोलूँ तो आप बोल सकते हो लिपस्टिक से पूरा लुक चेंज होता है, आईज से पूरा लुक चेंज होता है, और आपके हेयर डू से पूरा लुक जो है वो चेंज होता है। अब देखिएगा कैसा लग रहा है ये मेकअप आपको। अभी हेयर डू स्टार्ट हो चुका है, मैंने स्टार्ट कर दिया है, बट इसके बारे में भी बताया जाएगा आपको कि कैसे करना है क्या करना है। सो जस्ट सी इट, जस्ट लेट मी नो अगर आपको ये चीज़ें पसंद आ रही है तो हम अपने तरीके से कर पाएंगे, है ना? और आप लोग ये नई चीज़ें सीख पाओगे जो हम कर रहे हैं यहाँ पे। हेयर डू मैंने कैसे किया आप देख रहे हो, लेयरिंग ऐड की है फ्रंट पे बैक पे, और इनके बाल जो थे वो छोटे थे और उसको कैसे मैनेज करके लंबे दिखाना है और ज़्यादा से ज़्यादा, देखिए बाल एकदम छोटे आप देख पा रहे हो, बाल एकदम छोटे हैं
और इसको मैंने बहुत अलग तरीके से लंबे दिखाया है। जस्ट सी कितने लंबे बाल हैं उनके। अभी हमारा आज का जो मेकअप लुक है वो कंप्लीट हो चुका है। बताइएगा आपको ये मेकअप कैसा लगा। आगे मैंने कुछ पिक्चर्स अपलोड की हैं इसी मेकअप की, अपने इंस्टाग्राम आईडी पे भी पिक्चर्स अपलोड की हुई हैं। आप मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हो, उसका नाम है हेयर सॉल्यूशन। आप जस्ट जाके सर्च में टाइप करोगे हेयर सॉल्यूशन तो आपको मिल जाएगा। जिन लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा कैसी लगी आपको ये वीडियो, आईज मेकअप कैसा लगा, बेस कैसा लगा, हेयर डू कैसा लगा। हमने हेयर्स को लंबा दिखाया है, उसमें ऐड किए गए हैं हेयर्स, जो एक्सटेंशंस है वो कैसे ऐड की जाती हैं, हेयर आईज देखिए, है ना, आईज पे मेकअप देखिए। तो काफ़ी सारी ऐसी छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो मैं क्लियर करूँगा अपनी पेड क्लास के अंदर। आप लोग वो बाय कर सकते हो, खरीद सकते हो, बहुत ही सस्ते रेट में 3500 उसकी फ़ी है। आप लोग पे करके यू गाइस कैन ज्वाइन। ये उसका फाइनल लुक है, इसमें बिल्कुल भी अब देखिएगा कोई भी एडिटिंग नहीं है, एकदम नेचुरल पिक्चर मैंने क्लिक किया हुआ है। आपको पसंद आ रहा है? इफ यू गाइस लाइक दिस वीडियो, लाइक शेयर कमेंट। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।